पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश के इटारसी से सटे चांदौन गांव के रहने वाले डीएसपी विवेक सागर प्रसाद भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार विवेक को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। जीत के बाद चांदौन में जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवेक सागर से वीडियो कॉल कर बातचीत की। सीएम ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है, हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में यह पदक जीता है। यह राज्य के लिए दोहरी खुशी है क्योंकि हमारे खिलाड़ी विवेक सागर उस टीम का हिस्सा थे। हमारी पिछली सरकार ने उन्हें डीएसपी के पद से सम्मानित किया था। जब उन्होंने पिछले ओलंपिक में पदक जीता था तब पिछली बार भी 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था और हम इस बार भी 1 करोड़ रुपए जरूर देंगे। पूरे देश का नाम किया, सारे मित्रों को मेरी तरफ से बधाई दे देना, सारे सारे खिलाड़ियों को, और हमारे तो माननीय डीएसपी हो अब आप, और क्या है। तो अभी हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार? अच्छा, सरकार की ओर से ये मध्य प्रदेश सरकार अपने गौरवशाली खिलाड़ी इनके अपने किए गए योगदान के लिए, देश के लिए आपके हॉकी के योगदान को स्मरण करते हुए सारे मित्रों को, आपके हरप्रीत सहित सबको बधाई देना मेरी तरफ से, सारे खिलाड़ियों को, है ना, सभी मित्रों को बधाई, बहुत बधाई। संतागढ़ से हमारी टीम ने हॉकी का पदक जीता है, ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़ी बात है। 52 साल बाद लगातार हमारे की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए, जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल पे। मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई, और मध्यप्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहां से विवेक सागर प्रसाद हमारा डीएसपी है पुलिस में, पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको डीएसपी के रूप में मध्यप्रदेश सरकार ने पदस्थ किया था। 1 करोड़ रुपया घर उस समय भी दिया था, और 1 करोड़ रुपया पुनः इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई।